मोसाद को जानकारी मिली कि 22 अक्टूबर को शकाकी माल्टा जा रहा है, लेकिन शकाकी वहां नहीं उतरा और ट्यूनिस के लिए अगली फ्लाइट में सवार हो गया। हालांकि मोसाद को पता था कि वह आमतौर पर लीबिया के रास्ते में या अपनी वापसी यात्रा पर सलीमा में डिप्लोमेट होटल में एक या दो दिन बिताएगा, तो मोसाद ने एक दिन इंतजार करने का सोचा। मोसाद ने इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी जेरी को दी थी, जिसे इस किलिंग यूनिट का कमांडर बनाया गया था। अगले दिन शकाकी होटल से निकला और सड़क पर टहलने लगा। इस दौरान जेरी सड़क के उस पार खड़ा था और उसने शकाकी को बाहर आते देखा और रेडियो पर दो शब्द फुसफुसाए, हनीबन, जो कि एक्शन का सिग्नल था। शकाकी को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया और वो टहलता रहा। इतने में मोटरसाइकिल पर बैठे दो लोग आए और शकाकी को सिर के पिछले हिस्से में दो बार गोली मारी।